घोसीपुरवा वार्ड नंबर 70 नकहा नंबर 1 के नागरिक जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके संबंध में वार्ड के नागरिकों ने बताया कि 2 साल से सड़क टूटी है। सड़क टूटने की वजह से नाली भी टूट गया है, जिससे हल्की बारिश में भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और सड़क पर पानी लगा रहता है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घरों में नाली का गंदा पानी चला जाता है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इसकी शिकायत नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल से की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके संबंध में जब वार्ड के पार्षद राजेश यादव से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि बजट की वजह से नाली और सड़क नहीं बन पाया। प्रस्ताव दिया गया है, बजट मिलते ही बनवा दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घोसीपुरवा के नागरिकों व पार्षद राजेश यादव ने कहा, समीर अहमद, क्या समस्या है आप लोगों को? अरे समस्या यही है कि पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे और आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। कितने दिनों से पानी भरता है ये? सर लगभग 1 साल हो चुके हैं। इसकी शिकायत किसी से आप लोगों की? सर इसकी शिकायत हम पार्षद से कर चुके थे। क्या बोले पार्षद? पार्षद क्या है कि अभी इसका जो है कि अभी देखना, वो पार्षद तो मतलब जो भी, क्या बोले पार्षद आपने शिकायत की थी बनाने के लिए? पार्षद ने कहा ठीक है बन जाएगी, बस इतना कह के फिर उसके बाद कभी आए ही नहीं पार्षद देखने। अभी क्या चाह रहे हैं आप? कभी तो कुछ कह नहीं सकते। हमारा नाम सिराज है। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हम लोग की है कि रास्ता में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ठेवना भर पानी लग जा रहा है, वहाँ से इतना सड़क एकदम जाम जाम टूट फूट गई है। अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम लोग रास्ता में इतना ठेवना भर इतना औरत आ रही है, इतना उठा के आ रही हैं, पूरा पानी पानी हो गया है, रोड एकदम खराब हो गया, टूट गया है। शिकायत आप लोगों ने किस की थी? शिकायत हम लोग सब राधा मोहन अग्रवाल भी गए थे, वहाँ देख के गए हैं और यहाँ के सभासद हमेशा देख गए हैं। हम लोग सब कोई मतलब नहीं रखते हैं, सभासद एकदम बिल्कुल नहीं मतलब रखते हैं। तो क्या बोले सभासद? केवल आश्वासन दे के आश्वासन दे के चले गए। राधा मोहन अग्रवाल आए थे वहाँ, राधा मोहन आके आश्वासन दे के चले गए, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। क्या बोले विधायक जी? विधायक जी बोले बन जाएगा, आज कई साल से बनते ही रह रहे हैं। नाली नहीं है, नाली देखिए, नाली जो है एकदम पूरा, कहीं नाली बहने की जगह नहीं है। किसी के घर में पानी लग जा रहा है, वो गंदा पानी घर में आ रहा है। हम लोग पैखाना का पानी हम लोग बाल्टी बहा रहे हैं। कितने दिन से रोड खराब है? रोड कम कम आज 3-4 साल से खराब है। काफी मरीज क्या समस्या भैया? गाँव में नाली रोड सब खराब हो गया है, इसमें कोई सुनने वाला है नहीं। अब वही में बच्चे औरत घर में पानी हेल जाता है, अब उसको लिए बाल्टी अपना उदाहा जाता है, पैदल नहीं कोई निकल पाता है, स्कूल बच्चे नहीं जा पाते हैं, ना कोई गाड़ी लेने आती है। खराब हो और हो गया 5-6 महीना से एकदम। आए थे राधा मोहन अग्रवाल, देख के गए, पूरा एरिया देख के गए, कहे कि चलिए 2-3 महीने में बनवा देंगे। कितने दिन पहले आए थे देखने? अरे आए थे करीबन 1 महीना पहले, दो महीना पहले, कहे कि बन जाएगी। अब उसके बाद जब से गए देख के फिर बताइए नहीं किए। राजेश कुमार यादव, पार्षद जंगल नका वार्ड नंबर 70। नहीं कह रहे, मैं क्षेत्र में प्रस्ताव दिया गया है, बजट न होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है और आगे बजट भविष्य में आता है तो तत्काल उस कार्य को कराया जाएगा। प्रयत्न भविष्य में वहाँ पे सड़क और नाली की कमी है जो है, बस और के अलावा कोई कमी नहीं है। बरसात में जल जमाव की भी स्थिति उत्पन्न हुई? हाँ, जल जमाव जो चूँकि नाली टूट गई है, सड़क टूट गई है, तो उसे गड्ढा बन गया है। प्रयास किया जा रहा है कि उसमें मलबा डाल के बराबर कर लिया जाए उसको। क्या समस्या